अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाया हूं। इस वीडियो में मैं आपको ऐप क्लोनर बनाने का तरीका बताऊंगा। इससे पहले ऐप क्लोनर बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशन यूज़ होती थी, पैरेलल स्पेस, मल्टीपल अकाउंट्स वगैरह। लेकिन आज मैं आपको क्लोनिंग का तरीका बताऊंगा। इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। जैसा कि ये ऐप क्लोनर एप्लीकेशन हमने पहले से ही मेरे फ़ोन में इंस्टॉल थी। इंस्टॉल करके आपने सबसे पहले अपने फ़ोन में फ़्लाइट मोड पे लगाना है। फ़ोन को फ़्लाइट मोड पे लगा के आपने ऊबर को ऐप क्लोनर को ओपन करना है। ऑन करने के बाद आपने ऊबर एप्लीकेशंस या किसी भी एप्लीकेशंस को एप्लीकेशंस की क्लोनिंग करनी है। क्लोनिंग के लिए सबसे पहला मराहिल हमारा ये होगा क्लोनिंग्स नंबर और इंडिविजुअल क्लोन सेटिंग। इस ऑप्शन को हमने ऑन करना है और सेकंड नंबर पे हमने क्लोनिंग नंबर दिया है इस फाइल को, हम इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद ऐप क्लोनर्स का कलर्स भी चेंज कर सकते हैं हम, यहाँ पे आइकॉन कलर चेंज कर सकते हैं जो कि हम नहीं करेंगे। इसको हम रोटेट भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से ऊबर्स को। यहाँ से हम ओके कर देते हैं। ऐड बिगेन को हम एप्लीकेशंस में यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम सेकंड लिखेंगे। और जैसा कि आपने देखा ऊपर नंबर दो का शुमार हो गया। अब हम तीन कर लें, चार कर लें, छः कर लें, कुछ भी हम कर सकते हैं। जो भी आपने उसमें इस्तेमाल करना है उसको आप सेलेक्ट कर लें, ओके कर दें। देन आपने इसकी प्राइवेसी में जाना है। प्राइवेसी के बाद आपने सबसे पहली ऑप्शन चेंज एंड्रॉयड आईडी में जाना है। रैंडमली जनरेट करेगा ये सिस्टम और ओके कर देना है आपने। चेंज आईएमई नंबर रैंडमली जनरेट, ओके कर दें। इसके बाद हाइड सिम ऑपरेटर लोकेशन ऑन कर दें। चेंज वाईफाई मैक एड्रेस रैंडम करके ओके कर दें आप इसको भी। चेंज ब्लूटूथ मैक वाईफाई एड्रेस ऑन करके रैंडम करके ओके कर दें। इसके बाद आपने बैक पे जाना है। बैक के बाद अब आपने इसकी क्लोनिंग करनी है। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि क्लोनिंग ऊबर स्टार्ट हो गई है।
जी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लोनिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे फ़ोन में ऊपर 3 की हमने क्लोन की थी, तो क्लोन कंप्लीट हो गई है।